यहाँ पे देखो माही चाय बना रही है, और वो किस किस के लिए, ऊपर जो कारपेंटर है उनके लिए भी, और उसके पापा ड्यूटी जा रहे हैं तो उनके लिए भी है ना माही। तो ये और मुझे भी देना थोड़ा सा। हाँ मुझे भी देना थोड़ा सा। तो माही चाय बना लेगी और मैं करती हूँ बाकी के काम अपने। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और हाँ, आज आफ्टरनून से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है कि मुझे, मैंने आज ऑयलिंग की थी, हेयर वॉश किया है, और इसके चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सब कुछ हो गया है मेरा, आज खाना हो गया है और सब कुछ हो गया है, उसके चक्कर में मुझे आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हेयर वॉश के चक्कर में। और चलिए अभी माही ने बनाया है चाय, तो चाय ले लेती हूँ, और क्योंकि उसके पापा ड्यूटी जा रहे हैं तो उसने चाय बनाई है उनके लिए। ये ड्यूटी जा रहा है, यहाँ पर फर्नीचर यहाँ का निकाल दिया ना, इस वजह से नीचे बैठ के आपको थोड़ी परेशानी हो रही है ना अभी। हाँ, तो इसी वजह से, तो यहाँ पर अभी फर्नीचर बनेगा, यहाँ पर शू रैक वगैरह बनेगी। तो और बाय बेटा, बाय। ये क्यों पहन रहे हो? ये चलता है ना? चलेगा क्या ये? चल रहा है, ब्लैक है, ब्लैक। अच्छा, चल रहा है ये? कंफर्टेबल है ये वैसे, ये वाला शू। हाँ, तो वही तो। बाय बाय अद्विक, बाय कर दो पापा अद्विक। बाय बाय। हवा इतनी तेज थी कि इसका कवर भी उड़ गया गाड़ी का, अभी लगाना पड़ेगा मुझे दोबारा से ये। माही थोड़ा ठंडा हो गया चाय, मैं मेरे में कामों में लगी थी ना, तो इसी वजह से थोड़ी ठंडी हो गई चाय, लेकिन टेस्टी बनी है माही चाय। थैंक यू बेटा। मुझे ना इतनी गरम गरम चाय पसंद है, एकदम कड़क वाली होती ना वो चाय पसंद है। हाँ, मुझे कड़क वाली चाय पसंद है। यहाँ पर आम वॉश करके रखे थे, तो ये मैं रख देती हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे वॉश करके रखने हैं ये बर्तन। आज खाने के बर्तन भी वैसे ही पड़े हैं। चलो अभी ये तो आ गया इसमें आम पूरे। सबसे पहले फ्रिज में जगह है कि देखनी पड़ेगी। हाँ है, आज तो सारा कुछ निकाल दिया मैंने फ्रिज में से, तो ये रख देती हूँ यहाँ पे। आ नहीं रहा। हाँ आ गया। चलो, अरे हाँ, किसी ने पूछा था मुझे कि बर्तन वॉश करने के लिए कौन सा लिक्विड यूज़ करती हूँ, तो ये है वो प्रील वाला। तो कभी विम यूज़ कर लेती हूँ, कभी प्रील, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है अभी प्रील, तो इसीलिए यही यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे बर्तन निकल रहे हैं, बस थोड़ा सा इतना सा लेना है और उसमें पानी ऐड कर देना है, देखो। और एक टाइम के पूरे बर्तन, वो आपने देखी नहीं, ऐड एक कटोरी पानी में एक चम्मच लिक्विड, एक टाइम के पूरे बर्तन वॉश करो, तो अभी इससे एक टाइम के पूरे बर्तन वॉश हो जाएंगे। थोड़ा सा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, मुझे तो लग रहा है अच्छा ये, अभी फिलहाल तो यही अच्छा लग रहा है मुझे। Thank you.
बर्तन वगैरह वॉश हो गया है, पूरा किचन क्लीन हो गया है। और हाँ, ये जो राइस है ना, ये कल का था तो फ्रिज में रखा था, तो थोड़ा सा टाइट हो गया, किसी ने खाया ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ये कुत्ते को डाल दूँ, ये कुत्ते को डाल देती हूँ और बस सारा काम खत्म हो गया है अब। और ये जो अदरक है मैंने चाय मसाला बनाने के लिए ऐसे चिप्स करके उसके ये सुखाने के लिए डाला था, तो अभी हवा चल रही थी ना तो इसकी वजह से ये अंदर लाना पड़ा, क्योंकि हवा चल रही थी पूरी धूल इस पर आ जाती, और वैसे सुखा नहीं है पूरा का पूरा ये, अभी और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इसका पाउडर बना के जो चाय मसाले में जो जो यूज़ होता है वो सब कुछ डाल के चाय मसाला बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर डाल देती हूँ, कुत्ते आके खा लेते हैं, फिर कुछ भी होता है ना यहाँ पर डाल देती हूँ मैं। ट्राई किया बट हवा इतनी तेज है ना, बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। ये आने के बाद ये दोनों मिलके करना पड़ेगा, मतलब ये जो गाड़ी को कवर है वो लगाना पड़ेगा ना। ये सारे टॉवेल धोने के लिए डालती हूँ। क्या चाहिए? दो अच्छा कवर है। थैंक यू। आपको पसंद आया क्या ये वाला? अच्छा, अद्विक को पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। कवर हो गया, थोड़ा सा ठंडा डालू। अरे अरे अरे, ठंडा डालू उसमें थोड़ा सा। हाँ, अरे 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 अरे, पेटू दिख रहा है अद्विका। नीचे करो। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पी लो। ठंडा करूँ? पी लो पी लो। बस नीचे बैठ के पीते हैं, ठीक है? अब इसके बाद नीचे बैठ के पीना, चेयर पे बैठ के, ठीक है? आहा, डकार भी आ गई है को तो। ये देखो, ये एग्स ला रहे हैं, आज बनने वाली है हमारे घर पे एग करी, एग लाने जा रहे हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, सारे दिन सेम है और सिर्फ मन साफ होना चाहिए, नहीं क्या? मन साफ होना चाहिए, कुछ भी खाओ तो फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा प्रोटीन किसमें है बताओ? नॉनवेज से ज्यादा प्रोटीन किसमें है? एक एक चीज का नाम बता दो फिर बताऊंगी आपको। दाल में है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, उसमें भी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना एग में है, जितना मीट में है, जितना चिकन में है। जाओ जाओ, चलो बाय। ना कब से कपड़े ही वॉश कर रही हूँ यार, कितनी देर हो गई, मतलब अभी शाम हो गई है, अभी तक कपड़े ही वॉश कर रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ है कि मैंने पहले कपड़े डाल दिए थे, पहले मैंने ये डाला था, क्या बोलते हैं, तो टॉवल डाले थे, तो टॉवल डाले, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वो टॉवल एक दो पानी से वॉश कर लिया, उसी में मैंने दूसरे कपड़े डाल दिए मेरे, मतलब जो रेगुलर यूज वाले हैं वो कपड़े डाल दिए। और क्या हो रहा है कि वो जब मतलब एक बार टाइमर खत्म हो जाता है उसके बाद मैं लगा रही हूँ, भूल जा रही हूँ कि यार मैंने दूसरा, मतलब दूसरा मुझे पानी ऐड करना है, लगाना है, ये सब कुछ भूल जा रही हूँ और फिर उसमें लगा दे रही हूँ।
तो ऐसे कर करके अभी तक मेरा चल रहा है ये। अभी मेरा लास्ट पानी है, मतलब तीसरा पानी है अभी। अभी मैं लगा मतलब ये इसमें से ड्राई कर लूंगी और निकाल लूंगी। और हाँ, किसी ने मुझे ये बोला था कि नहीं, जैसे कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया ना कि उसमें टाइमर सेट करना पड़ता है, ये सब कुछ। किसी ने मुझे ये बोला कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ट्राई करो। तो डियर, उस टाइम भी मैं सोच के यही गई थी कि मुझे ये फुल्ली ऑटोमेटिक ही मशीन लेनी है, और मतलब फ्रंट लोड ही लेनी है। तो इसी वजह से मैं वो लेनी गई। उसके बाद मैं जब मतलब प्राइस तो मुझे पता ही थी उसकी, कि जो लेनी थी मुझे उसकी प्राइस तो पता ही थी। बट जब मैंने ये वाली वॉशिंग मशीन देखी ना, तो मुझे लगा कि यार हम लोग जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं उस चीज़ में तो मतलब ये भी काम कर रही है। थोड़ा सा ही सिर्फ बटन लगाना, मतलब दबाना और पानी ऐड करना, और यही सिर्फ टाइमर वगैरह लगाना, वही तो काम है, बाकी तो कुछ काम नहीं है। उतना तो हम कर ही सकते हैं, मतलब इतना तो हम लोग बिजी नहीं है कि उतना हम कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा इतने पैसे कमाने से फ़ायदा क्या है, इसका भी लुक अच्छा आ रहा है। लुक के लिए अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मतलब आपको थोड़ा सा टाइम है कि आप पानी चेंज करो और उसके बाद आप पानी डालो, तो आप ले सकते हो ये वाली वॉशिंग मशीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपके पास मतलब पैसा है या आपको फुल्ली ऑटोमेटिक लेनी है, तो वो भी कोई ख़राब नहीं है। मैं भी वही सोच के गई थी कि मुझे फुल्ली ऑटोमेटिकली लेनी है, बट मुझे लगा कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है इस टाइम तो भी, क्योंकि अगर इससे काम चल रहा है ना तो चलने दो, जितने दिन चल रहा है काम उतने दिन चलने दो इससे। और ये स्टर्डी लगी मुझे, इसी वजह से मैंने ली थी, और वर्क भी बेटर कर रही है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही वर्क कर रही है। तो इसी वजह से मुझे ये मशीन अच्छी लगी। और किसी ने इसके बारे में पूछा था, इसी वजह से मैंने उनको वो बताया। और सबके पास बजट नहीं होता है, मतलब हर किसी का बजट नहीं होता है फुल्ली ऑटोमेटिक लेने का, तो इसी वजह से मैंने ये सेमी ऑटोमेटिक के बारे में बताया, और अच्छी है इसीलिए बताया था। मतलब कोई मेरा ये नहीं है, सबने बहुत बार क्वेश्चन आए थे इसके लिए कि यार ये वाली वॉशिंग मशीन के बारे में बताओ, बहुत अच्छी दिखती है आपकी वॉशिंग मशीन, ये वो। तो मुझे लगा कि चलो एक बार बता ही देती हूँ आपको कि ये इसे यूज कैसे करना है। आजकल यही कमेंट आ रहे थे कि आप इसको यूज कैसे करना है वो बताओ, तो मैंने बोला चलो ठीक है बता देती हूँ मैं, तो मैंने बता दिया। और एक ये भी कमेंट था कि आपने ये वॉशिंग मशीन कितने में ली है, तो ये वॉशिंग मशीन मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने में ली है, बट 14 या 15 हज़ार में ली है, इससे ज़्यादा तो नहीं ली मैंने ये। अगर आपका बजट इतना है तो आप इसे ले सकते हो, अगर आपका बजट कम है तो आप दूसरी देख लीजिए, अगर आपका बजट इससे ज़्यादा है तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक देख लीजिए, वो बहुत अच्छी दिखती है। मतलब मैं भी वही सोच के गई थी कि मुझे फ्रंट लोड लेनी है, फ्रंट लोड तो बहुत अच्छी दिखती है, तो आप वो ले सकते हो। तक ये देखो, ये वाला लास्ट पानी है, ये अभी निकाल दूंगी, इसके बाद ड्राई कर लूंगी। ये इन्होंने एग्स लाए थे तो मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, तो बॉईल हो चुके हैं ये, अभी इसे ठंडे पानी में डालती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी ये, अभी मैं उधर थी तो इन्होंने यूज़ की होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी मशीन, मतलब एक बॉयलर ही है, तो इसी वजह से अभी इसे वॉश किया है, क्लीन किया है अच्छे से, और अभी रख देती हूँ इसे। पर ये ग्रेवी बना ली है, इसमें सिर्फ एक डालने हैं अभी, वो भी फ्राई करके। अभी ना इस तरह से इसे फोक से छेद करने हैं ताकि इसमें ग्रेवी चली जाए अंदर।
चलिए खाना तो बन गया है और अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद जो मैं जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे क्लिक करना मत भूलेगा। उससे क्या होगा कि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिलेगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।